हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, आप सभी जानते हैं कि राधिका के घर बहुत ही बड़ा सा मेहमान आया है और वो मेहमान है छोटा सा, प्यारा सा, बहुत ही खूबसूरत, जो उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी खुशियाँ लेकर आया है। ये तो सभी जानते हैं कि घर में जब छोटा सा मेहमान आता है तो घर में लोग कितने ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन मैंने कल के वीडियो में क्लेरिफाई नहीं किया था कि वो बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल है, तो आज की वीडियो में आपको मैं पूरा क्लेरिफाई करने वाली हूँ कि वो बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, हमारे साथ बने रहिए इसी वीडियो में और आगे हम आपको बताने वाले हैं। तो उससे पहले, सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर लें। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए हम आपको क्लेरिफाई कर देते हैं कि राधिका के घर जो बेबी बॉय या फिर बेबी गर्ल है उनकी खुशियाँ तो बहुत बड़ी लेकर आया है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ व्यूअर्स का यह भी कहना है कि जब उनकी दो बच्चे थे ही तो वो तीसरा बच्चे की प्लान वो क्यों की थी। ये तो सभी के माइंड में उठता है कि अभी के डेट में कोई एक को संभालना कितना ज़्यादा हार्ड हो गया है और उनके दो ऑलरेडी पहले से थे तो उन्होंने ट्रिपल आने का क्यों सोचा। तो कहीं ना कहीं कुछ व्यूअर्स के मन में इस प्रकार थॉट तो चल रहा होगा, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, उनके घर में खुशियाँ आई है तो वो तो खुश हैं ही और उनके व्यूअर्स का जो कमेंट है वो भी लाजमी है। तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा कि राधिका बिल्कुल दुखी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके व्यूअर्स के कमेंट को लेकर राधिका के मन में थोड़ी सी तसल्ली है और थोड़ा सा दुख इस बात का है कि वो अपने व्यूअर्स के लिए क्या क्या कुछ नहीं करती थी। लेकिन अभी उनके वीडियो को कमेंट पे यह आ रहा है कि आपने तीसरा बेबी का प्लान ही क्यों किया और वो तीसरा बेबी आया है तो वो बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल है। शंका सबके मन में है क्योंकि अभी तक राधिका ने इसके बारे में वीडियो बिल्कुल क्लेरिफाई नहीं किया है कि उनका बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल है। ये तो आप सभी जानते हैं कि राधिका एक सिंपल गरीब फैमिली से बिलोंग करती है और उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया। आई फोर्स ये सभी को जानते हैं क्योंकि सभी को काम करने में इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है और वो सुबह से लेकर शाम तक जितने दिन चले आते हैं वो सारे के सारे क्लेरिफाई करती हैं। और सबसे खास बात तो यह है कि राधिका हमारे रांची रामगढ़ से बिलोंग करती है और अभी हम उनसे मिल नहीं पाए हैं, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, हम बहुत जल्द उनसे मिलने वाले हैं। लेकिन आप लोग ये सोच रहे होंगे कि राधिका के घर इतना छोटा प्यारा सा मेहमान आया है, अभी तक राधिका ने सेकेंड वीडियो क्यों नहीं डाला कि हाँ उनका बेबी कैसा है, उनका बेबी ठीक है कि नहीं और उनके व्यूअर्स क्या चाहते हैं। उन्होंने अपने व्यूअर्स को कमेंट का रिप्लाई नहीं किया है कि आखिर वो तीसरे बेबी का प्लान क्यों किए और वो तीसरा बेबी क्यों लाए, क्योंकि आज का ज़माना बहुत ज़्यादा महंगाई हो गया है। एक को पढ़ाने में ना मम्मी पापा लोग की हालतें ख़राब हो जाती है और वो तकरीबन तीन तीन बेबी प्लान किए हैं। ये तो व्यूअर्स कहेंगे ही, कुछ सब्सक्राइबर भी कहेंगे कि हाँ आपका तीन तीन बच्चे क्यों लाए हैं, बट कोई बात नहीं, उनके घर में भी खुशियाँ आई हैं तो वो भी अपने खुशी शायद इंजॉय कर रहे हैं और अभी वो डॉक्टर से उन्हें छुट्टी मिल गई है, वो अपने घर पे हैं, बिल्कुल सुरक्षित है, उनका बेबी भी बहुत अच्छा है, बहुत खुश है। और आप लोग भी मुझे कमेंट कीजिएगा कि राधिका के घर जो बेबी बॉय या फिर बेबी गर्ल आया है वो है क्या। तो मैं खुलासा कर दूँ, आप लोग तैयार हो सुनने के लिए, थोड़ा सा रुक जाते हैं अभी, थोड़ा सा और आपको और आगे लेकर चलते हैं और उनके बारे में बताते हैं कि राधिका एक बहुत ही सिंपल फैमिली से बिलोंग करती है और वो एक लड़की हाउसवाइफ होने के नाते उन्होंने अपने यूट्यूब पे बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है। तभी तो आज मैं बैठ के उनके बारे में कुछ क्लेरिफाई कर रही हूँ कि राधिका कितनी अच्छी लड़की है। और एक तरफ से वो अपने घर को चलाती हैं और उनके हस्बैंड तो आप सभी जानते हैं कि उनके जो पति देव हैं वो एक टॉप, मतलब वो एक ऑटो चलाते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो वीडियो में कह चुकी हैं कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो ऑटो चलाते हैं, ये सभी कोई जानते हैं। और वो ऑटो चलाने के माध्यम से राधिका अपने आप को एक यूट्यूबर साबित कर पाए और आज उनका ऐसा मुकाम हासिल हुआ है कि वो यूट्यूब पर छा चुकी हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। हम सिंपल हाउसवाइफ के लिए तो राधिका बहुत ही अच्छी हैं क्योंकि उनसे कुछ सीखने को मिलता है कि घर के डेली रूटीन्स को आप कैसे इन्वॉल्व करोगे, क्या बनाओगे, अपने बेबी को क्या खिलाओगे, कैसे स्कूल भेजना है, कैसे क्या करना है, ये सब चीज़ हम राधिका से कुछ कुछ पॉइंट तो सीखने को मिलता है हमसे। ऑफकोर्स सीखने को मिले भी क्यों नहीं, क्योंकि वो एक घर एक सिंपल वाइफ है और एक घर के काम काजी महिला होने के नाते वो YouTube पर छाई हुई है।
तो चलिए मैं आपको क्लियरिफाई कर देती हूँ कि राधिका के घर बेबी गर्ल नहीं बल्कि बेबी बॉय आया है। चलिए क्लियरिफाई तो हो चुका, क्योंकि हमने आपसे वादा किया था कि हम वीडियो के आगे बताने वाले हैं कि लड़कियाँ जो राधिका है, राधिका का लड़का हुआ है। ये बहुत खुशी की बात है, उनके घर दो दो बेटे हो गए, एक बेटी यानी तीन तीन बच्चों की वो माँ बन चुकी हैं। फिर भी फिलहाल अभी वो वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही है, रीज़न है क्योंकि अभी लेबर पेन होने के बाद कुछ औरतों को रिकवर होने में टाइमिंग लगता है और कुछ जो है वो जल्दी रिकवर हो जाते हैं। बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, राधिका का जस्ट जल्द से जल्द वीडियो आ जाएगा, बिल्कुल मत सोचिएगा। सो गाइज, आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। और किनको किनको राधिका की वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ कॉमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।